पहले खबर आ रही थी कि जॉन अब्राहम अपनी इंजरी की वजह से फोर्स 2 के बचे हुए एक्शन सीन्स शूट करने बुडापेस्ट नहीं जा पाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर विपुल शाह ने शूटिंग डेट्स एक्सटेंड कर दिए हैं। सो लेट्स होप कि दिसंबर तक में जॉन शूटिंग रिज्यूम करने के लिए फिट हो जाए। खबर थी कि करीना कपूर पाकिस्तानी डायरेक्टर शोएब मंसूर की फिल्म में काम कर सकती हैं, और अब न्यूज है कि करीना नेक्स्ट वीक स्क्रिप्ट नरेशन के लिए दुबई जाने वाली हैं। हालांकि करीना ने अपने फैंस को ट्वीट करके पाकिस्तानी फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए प्रॉमिस किया था, जिसके बाद वो सोशल नेटवर्किंग साइट से गायब हो गई। फिल्म तितली की स्टार कास्ट ने हाल ही में फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर फिल्म की कास्ट के अलावा डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी प्रेजेंट रहे। वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छा सिनेमा है जो हम देख रहे हैं और हमारी ऑडियंस देखने जा रही है। सच है कि ऊपर वाले ने आदित्य जैसे इंसान को मेरा हमसफर बना दिया। मुंबई में अपकमिंग फिल्म हेट स्टोरी 3 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट प्रेजेंट रही। इतना ही नहीं, सभी ने यहां पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए। आई हैड टेकन अ बैक सीट फॉर नॉट डूइंग दिस मूवी, बट एक्चुअली सलमान वाज द वन हु रियली पुश्ड मी। ही वाज द वन हु कन्विंस्ड मी विद विशाल। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सोमिया टंडन ने अपनी वेबसाइट 1018MB लॉन्च की। यहाँ पर उनको सपोर्ट करने पहुँचे डायरेक्टर इम्तियाज अली। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप अपने पसंद की फिल्म बड़े पर्दे पर, इनफैक्ट जिस स्क्रीन पर आप देखना चाहते हो उस पे आप देख सकते हो। इमरान हाशमी एक्टर के बाद अब ऑथर बनने जा रहे हैं। इमरान बुक में उस वक्त के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं जब उन्हें पता चला था कि उनके 4 साल के बेटे को कैंसर है, जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। ये बुक नेक्स्ट ईयर आएगी। रब से ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की, जिसमें से ऐश्वर्या का प्रॉफिट शेयर भी 3 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि अभी तक मेल एक्टर की प्रॉफिट शेयरिंग करते थे, लेकिन अब फीमेल एक्ट्रेसेस भी बिजनेस मॉडल्स बनती जा रही हैं। साथ ही इस फिल्म से ऐश्वर्या को प्रोड्यूसर भी बन गई। सीने की जला। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।